हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए ऐसे चार स्टॉक्स के बारे में जिसमें हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। अभी के लिए हम अगर यूएस मार्केट को चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको तीनों ही इंडाइसेस में एक अपसाइड देखने को मिलेगा और यहाँ पे हम नैस्डैक के केस में एक रिकॉर्ड रैली को यहाँ पे देख सकते हैं। आज इसने 12,000 के लेवल्स को यहाँ पर ब्रीच किया और इसके बाद करंटली हम इसे 11,966 के ऊपर ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे निफ्टी 50 के लेवल्स को यहाँ पे चेकआउट करें तो इसके फ्यूचर्स में थोड़ी सी डाउनसाइड हमें दिखाई दे रहा है। इन केस अगर यूएस मार्केट कल अपसाइड के साथ अपना क्लोजिंग देता है और इसका जो फ्यूचर्स है वो भी हमें अपवर्ड यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है तो आपको यहाँ पे निफ्टी 50 में ओपनिंग 11,500 के करीब यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इंडियन ADRs को अगर आप चेकआउट करते हैं तो इसमें भी एक मिक्स्ड ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा, तो इनके क्लोजिंग के बेसिस पे आप इनमें अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है इसमें आज हमें एक रिकॉर्ड रैली यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके वजह से स्टॉक ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इनकेस अगर आपको कल मार्केट फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई देता है तो इस स्टॉक में भी आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऑटो स्टॉक के बारे में जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। डिमांड में तेजी आने के चलते आज स्टॉक में हमें मोर देन 6% का एक रैली देखने को मिला और इसके ऑर्डर बुक में भी थोड़ी सी बाइंग प्रेशर को यहाँ पे देखा जा सकता है। इसका जो फ्यूचर्स है उसमें भी थोड़ी सी अपसाइड हमें देखने को मिल रहा है, तो आपको कल इसमें 642 के ऊपर यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में आप 646 और 648 के दो टारगेट्स यहाँ पे लेते हुए इसमें अपना बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे स्टॉक की ओर बढ़ें। दूसरा जो स्टॉक है इसमें आज एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और स्टॉक ने यहाँ पे अपने इंट्राडे हाई पे आज अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। आज स्टॉक में काफी ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला, जिसके वजह से कल ये अगर इस लेवल को अपने क्लोजिंग लेवल को अगर ये सस्टेन करता है तो आपको फिर से कल इसमें एक अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे फिर से हम बात कर रहे हैं एक ऑटो सेक्टर के स्टॉक के बारे में जिसका नाम है टाटा मोटर्स, क्योंकि इसका जो अगस्त सेल्स फिगर है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है और इवन हम इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इवन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक अच्छा ग्रोथ को देख सकते हैं। इसके वजह से यहाँ पे आज स्टॉक में एक रैली हमें देखने को मिला है। अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक में एक बाइंग प्रेशर को देखा जा सकता है और इसके फ्यूचर लेवल्स में भी हम इस बात को यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। तो कल के एक्सपायरी के लिए आपको एक लेवल को यहाँ पे कंसिडर करना है, वो है 150 का लेवल। इन केस अगर ये इस लेवल को यहाँ पे सस्टेन करता है तो आपको 154 और इवन 155 तक ये यहाँ पे दो टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं। इन केस अगर आपको रियल टाइम अपडेट्स पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरे स्टॉक की ओर बढ़े तो यहाँ पे हमें फिर से पिछले दूसरे स्टॉक की तरह यहाँ पे काफी अच्छा रिकवरी होता हुआ दिखाई दिया और स्टॉक ने काफी रिकवर करते हुए अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के काफी करीब यहाँ पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इन केस अगर ये कल फ्लैट ओपन होता है तो आपको इसमें थोड़ी देर बाद एक ब्रेकआउट सिचुएशन दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ब्रीच करता हुआ हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में हम यहाँ पे 5 to 6 rupees तक यहाँ पे टारगेट्स लेते हुए इसमें अपना बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बंधन बैंक के बारे में, जिसमें फिर से आज मार्केट आर्ट्स के दौरान हमें मोर देन 4% का एक रैली देखने को मिला है। अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक में एक बाइंग प्रेशर को देखा जा सकता है और इवन हमें इसके फ्यूचर्स में भी इस बात को हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्लैट ट्रेंड हमें अभी के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रीमियम लेवल है तो कल मार्केट ओपन होने के बाद आपको इसमें एटलीस्ट 1% तक यहाँ पे एक अपसाइड दिखाई दे सकता है। तो आप कल इसमें 322 और 325 के दो टारगेट्स यहाँ पे लेते हुए अपना बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आखिरी स्टॉक में हमें यहाँ पे फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला है और स्टॉक ने काफी रिकवर करते हुए अपने इंट्राडे हाई के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी के लिए इसमें थोड़ी सी और यहाँ पे अपसाइड देखा जा सकता है, प्रोवाइडेड कल निफ्टी यहाँ पे 11,500 का जो क्रूशियल लेवल है अगर इसे मेंटेन करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जस्ट डायल के बारे में, जिसमें फिर से आज आपको एक तेजी देखने को मिला है। स्टॉक ने आज 4.46% के अपसाइड के साथ यहाँ पे 380 के जस्ट नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। जिस लेवल पे करेंटली एक बाइंग प्रेशर को यहाँ पे देखा जा सकता है।
इन केस अगर ये कल 380 के लेवल को सस्टेन करते हुए उसके ऊपर अपना ओपनिंग देता है तो आपको 385 तक यहाँ पे पहला टारगेट और 390 तक यहाँ पे दूसरा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें अपना बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस प्लेस करने में प्रॉब्लम है तो आप उसके रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से जाके चेकआउट कर सकते हैं और इवन आपको वहाँ पे इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। आप उसे भी चाहें तो इस वीडियो के बाद आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें आज निफ्टी के बारे में तो आज इसमें दिन भर एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला और फाइनली इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के करीब यहाँ पे 11,543 के ऊपर अपना क्लोजिंग दिया है। अगर हम इसे डेली कैंडल के बेसिस पे देखना चाहें तो यहाँ पे अभी के लिए एक साइडवे ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अगर ये अपने 9 डे के ईएमए लेवल को यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ पे हमें एक साइडवे ट्रेंड अगले कुछ दिनों तक यहाँ पे दिखाई दे सकता है। आज वैसा ही एक सिचुएशन हमें देखने को मिला और इसने इसके ऊपर अपना ओपनिंग देने के बावजूद यहाँ पे इसके जस्ट फ्लैट लेवल्स पे यहाँ पे अपना क्लोजिंग दिया है। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में थोड़ी सी कंसोलिडेशन अगले कुछ दिनों तक दिखाई दे सकता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट यहाँ पे थोड़े देर के लिए हमें यहाँ पे साइडवे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसे अगर आप वीकली ऑप्शन चेन डेटा से यहाँ पे कंफर्म करना चाहें तो कल के एक्सपायरी पे हम 11,500 के लेवल्स पे ही एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग को यहाँ पे देख सकते हैं और इसके नीचे हम 11,400 के लेवल्स पे यहाँ पे एक इवन हायर ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का बिल्डअप दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हम 11,600 के लेवल्स पे एक पुट अनवाइंडिंग को देख पा रहे हैं। तो एक बात इससे क्लियर है कि अभी के लिए मार्केट हमें 11,500 के करीब यहाँ पे फ्लैट ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉल साइड में हमें 11,500 के लेवल्स पे यहाँ पे कॉल्स अनवाइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसे हम 11,600 के लेवल्स पे करंटली यहाँ पे ऐड होता हुआ देख सकते हैं। तो मार्केट कल यहाँ पे आपको 11,500 से लेके 600 के बीच में यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल निफ्टी में कल एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी के ऊपर यहाँ पे फोकस करें तो यहाँ पे हमें प्रीवियसली निफ्टी की तरह ही एक सिमिलर ट्रेंड आज इसमें देखने को मिला है और इसने भी अपना ओपनिंग के बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर के चलते यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट अपना क्लोजिंग दिया है। इसके डेली कैंडल्स पे करंटली हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन को देख सकते हैं जिसके वजह से ये ओपनिंग के बाद भी इतना ऊपर आज ये नहीं बढ़ पाया। तो कल के लिए आपको फिर से इसके 9 डे की ईएमए लेवल को एज ए रेफरेंस पॉइंट की तरह कंसीडर करना है। तो आपको कल अगर ये लेवल सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है तो इसमें ऐसा ही एक साइडवे ट्रेंड हमें दिखाई दे सकता है। अभी के लिए अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को यहाँ पे कंसीडर करें तो यहाँ पे 23,500 के ऊपर आज एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगा। करेंटली इस लेवल पे मोर देन 8,84,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा जा सकता है जिसके टूटने पे हमें अगला जो सपोर्ट है वो 23,000 के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करें तो यहाँ पे हमें 24,000 के ऊपर करंटली 9.48 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का बिल्डअप दिखाई दे रहा है और इसी लेवल पे हम अराउंड 2.46 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे एड होता हुआ देख सकते हैं। तो आपको अगर कल बैंक निफ्टी 23,500 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है तो आपका जो अगला रेजिस्टेंस है वो 24,000 का लेवल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच चल रहे टेंशन के चलते और ग्लोबल मार्केट में देखे गए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के आने की वजह से हमें यहाँ पे कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको करंट सिनेरियो में कोई भी फ्रेश पोजिशन लेने से पहले काफी अपना एनालिसिस कंप्लीट करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इन केस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको रियल टाइम लाइव अपडेट्स अगर आपको पाना है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।